हेलो एवरीवन, हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर चैनल चैनल द द टूरल टूरल फैमिली। फैमिली। और आज हम आ गए हैं कहाँ पर? कांचीपुरम में। कांचीपुरम कांचीपुरम है सेकंड काशी, सिटी ऑफ टेंपल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं और आज हम आए, सबसे अभी तो हम जस्ट आए हैं कहाँ पर, कांची कामाक्षी टेंपल। ये माता कामाक्षी का टेंपल है और यहाँ पे हम दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। और अगर आप चेन्नई आए थे हैं, चेन्नई के नियर बाय आते हैं, तो फ्रॉम चेन्नई इट विल बी अराउंड 77 किलोमीटर्स, यू कैन रीच कांचीपुरम। और बेंगलोर से अराउंड 250-260 के आसपास पड़ता है, इजिली यू कैन रीच फ्रॉम बेंगलोर ऑल्सो। तो फिर चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, चलिए चलते चलते हैं। हैं। और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। चल, और हमने साउथ साइड में किया है अपना गाड़ी खड़ा, तो चलो चलना भी ज़्यादा पड़ रहा है हमें समय। और देखिए कितना ज़्यादा जाम लग रहा है। और ये है कपाक्षी टेम्पल, माँ कपाक्षी जी का टेम्पल। यहाँ टेम्पल कर सकते हैं, मंदिर टेम्पल का भी है, वहाँ भी स्लीपर्स के लिए है। ये स्लीपर्स के लिए, स्लीपर्स के लिए। कितनी लंबी लाइन है, पूरा घुमा दिया है जैसे उधर। अच्छा है ना, फिट इंडिया। हाँ, इसी में आदमी फिट हो जाए। और आराम से देख के भैया, देख के देख के। और अभी दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट टाइम बहुत लग गया, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स लग गए। और 12 o'clock पे वैसे भी यहाँ सारे टेम्पल्स बंद हो जाते हैं, तो जब भी आप आएँ तो आप जल्दी स्टार्ट करें चेन्नई से, या जब भी कहीं कहीं से भी आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें। 6:30 पे सारे टेम्पल्स खुल जाते हैं। हम लोग लेट आए थे तो अभी हमारे पहले ही दर्शन हुए हैं और 12 o'clock हो गया और सारे टेम्पल्स बंद हो गए। अब बस हमको ये देखना है कौन सा टेम्पल खुल रहा है, और कहीं खुल रहा हो तो हम वहाँ जाएंगे और फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। और कामाक्षी माता की जय। और कामाक्षी, ये बहुत भीड़ है अभी भी। और ये टेंपल पल्लव किंग्स ने बनवाया था आज से हजारों साल पहले, तो पल्लव किंग्स ने बनवाया था, तो बहुत ही शानदार टेंपल है। और यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए थे। और ये जो टेंपल है वो कांचीपुरम एक्चुअली बसा हुआ है, कहाँ पर? पलार रिवर पे। पलार रिवर क्या है? जहाँ पे हम लोगों ने रिवर साइड पिकनिक करी थी पिछले वीडियो में, कडलू डैम और पलार रिवर गए थे, तो ये वही रिवर आ रही है यहाँ पे। तो फिर चलिए चलते हैं। और अब हम आ गए हैं कुला गंडाला पेरुमल टेंपल। ये है भगवान विष्णु का टेंपल। और अभी हम आए थे भाग भाग के, क्योंकि है ना यहाँ 12 o'clock पर सारे टेम्पल्स बंद हो जाते हैं। तो अभी हम आए थे उला गलंडा पेरुमल टेम्पल, पेरुमल मतलब भगवान विष्णु का टेम्पल। और यहाँ पर है ना क्या है, अंदर स्टैंडिंग पोजीशन में है पूरे, और पावन अवतार में है। नीचे तो मूर्ति है ही है, मगर जो मेन जो पूरा पत्थर पर बना रखा है, कार्विंग कर रखी है, वो है वामन अवतार की। और नीचे बाली खाजा के ऊपर, जैसे उन्होंने सर के ऊपर रख के पूरी पृथ्वी नाप ली थी, तीनों लोग नाप लिए थे, उसी तरह की यह मूर्ति है, बहुत शानदार। यहाँ पे हम लोग 2 बार पहले आ चुके हैं कांचीपुरम, पर यहाँ पे पहली बार आए हैं, ये टेंपल में पहली बार आए हैं। तो जब भी आते हैं टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है तो इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहुत यहाँ जिसको पता है कांचीपुरम इज कॉल्ड ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। जैसे हमारा बनारस है, काशी है, महादेव की नगरी है, मतलब जैसे वहाँ पर टेम्पल्स ही टेम्पल्स हैं, उसी तरह से कांचीपुरम में है। तो कांचीपुरम में अगर आपको बताऊं तो 2 हिस्सों में एक तरह से डिवाइड है, एक तरफ है भगवान शिव के टेम्पल और एक तरफ है भगवान विष्णु के टेम्पल। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ से दर्शन करे थे? कामाक्षी टेम्पल, और अभी यहाँ पर पेरुमल टेम्पल। अभी तो भगवान विष्णु के ये तरफ बहुत सारे टेम्पल हैं, और इसके बाद शिव जी के टेम्पल दूसरे कांचीपुरम के दूसरी तरफ हैं। तो इस तरह से कांचीपुरम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मगर डिवाइडेड तो बस वो नाम के लिए, मगर
हमको सब जगह जाना है और भगवान महादेव टेम्पल हमें ऊपर मिलेंगे, हम पूरा दर्शन कर सकेंगे उतना सब, और महादेव भगवान विष्णु सबकी कृपा करें, सब पर रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो फिर चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अभी हम जा रहे हैं चित्रगुप्त टेम्पल, जो कि पिछले वाले टेम्पल से है अराउंड 400 meters। तो चल चल के हम जा रहे हैं, तो कार है हमारी पार्क तमाशी टेम्पल पे, वहाँ से फिर कार लेके परेशानी रहेगी, इससे बढ़िया है कि पैदल पैदल आस पास के टेम्पल, क्योंकि 500 समथिंग बता रहा है कार से, और वॉक करके बता रहा है 300 समथिंग, तो वॉक करना ज़्यादा बेटर है, और शायद अगर खुला मिल जाता है तो दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये है चित्रगुप्त टेम्पल, जो कि है हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा जो रखते हैं चित्रगुप्त टेम्पल। पहले कभी नहीं सुना है, मगर अभी यहाँ से पता चला कि यहाँ पर टेम्पल है चित्रगुप्त महाराज का, जो कि अभी क्लोज है और 4 o'clock तक खुलेगा। और ये है कांचीपुरम का, पिछले वीडियोस में आपने देखा था हमारे कि हम लोग गए थे दक्षिण क्षेत्र का, वहाँ भी साउथ का जितना लाइफस्टाइल वगैरह है, कैसे रहते हैं, वो सब दिखाया गया था। यहाँ पर ये है कांची कुडल, अंकल आंटी यहाँ पर वेट करते हुए आपका वेलकम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आंटी जी पूरा अपना ट्रेडिशनल कांचीपुरम साड़ी, और यहाँ पर कुछ पीढ़ी पेंटिंग्स। यहाँ पर ये है दूसरा रूम, एक रूम है यहाँ पर, वेलकम टू कांची कुडल। सो कांची मीन्स द प्लेस एंड कुडल मीन्स होम, तो कांची कुडल। तो यहाँ पर ये कोट है पुराना, और ये पेंटिंग है सरस्वती माता की। ये रूम है बच्चों के लिए, बेबी रूम। सो वी हैव टू बेबीज स्लीपिंग टुगेदर, टू गर्ल्स। और यहाँ पर है ये टॉयज वगैरह एंड ड्रेसेस एंड फ्यू टॉयज, हॉर्स टॉय, डॉल्स। दिस इज लेडी ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनाना, ये ड्रेसेस यहाँ पे अपना ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, और ये पीछे हेयर में लगाते हैं ना वो बड़ा सा जुड़े में, और यहाँ पे मोर पेंटिंग्स। दिस इज पूजा रूम, यहाँ पर ये गोलू सजा रखा है, गोलू मीन्स यहाँ पर साउथ में ऐसे तरह से सजाया जाता है सारे पूजा के लिए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करते हैं, इसको गोलू बोलते हैं, दशहरे पे बना करते हैं ना। हाँ, ये पूजा महादेव, यहाँ पे कुछ मेजर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये यहाँ पर अपना चूल्हा जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है, ये तो हमारे यहाँ भी होता था, पूरा वही सेम उसी तरह का बना रखा है, दो दो चूल्हे, जैसे हम गैस रखते हैं ना दो चूल्हे, उसी तरह से एक जगह पे दो चूल्हे ऐसे बना रखे हैं, तो आप जल्दी से खाना। हाँ, जल्दी एक पे सब्जी बना लो, एक पे रोटी बना लो, यहाँ पे एक पे दाल बन सांबर बनेगा, एक में राइस इडली वो सब बन जाएगा, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये छोटे से बर्तन कुछ बंद भी कर रखा है, पहले थोड़ा सा कुछ बुक्स वगैरह यहाँ तमिल में, कुछ बुक्स वगैरह आपको लेना है तो अगर आप तमिल जानते हैं देन यू कैन बाय दीज बुक्स ऑल्सो। इतने अच्छा फ्लावर्स के साथ, रोज फ्लावर के साथ कर रखा है। यहाँ पे ये तुलसी, और ये है वो छोटा सा कुआ, और भैया फोन ना गिर जाए इसमें, संभल के टिंग टोंग, कोई है टिंग टोंग टिंग टोंग। अच्छी स्मेल आ रही है। और अभी यहाँ पर हमने कांची होटल में आए थे, यहाँ पे छोटा सा अपना आपने देखा ही कितना अच्छा लगा यहाँ पे आके, हम तो 3 बार आए हैं, तीसरी बार जैसे थर्ड, और हर बार यहाँ आ जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है देखने में, पुरानी चीज़ें अपने गांव जैसी फीलिंग आती है। और अभी हो रहा है 2:23, और 3:30 के आसपास में टेम्पल खुलना शुरू हो जाएंगे, अभी तो 1 घंटे से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे। लास्ट टाइम आते थे यहाँ सो गए थे ना, आप सो गए थे, मतलब मैं सो गया था, हाँ, क्योंकि बड़ी ठंडी हवा आती है, बड़ी अच्छी सी, यहाँ आंटी अंकल बैठे हुए हैं,
अंकल आंटी के पास पड़ी चादर डालो यहाँ पे और मस्त हो जाओ, सबसे बेस्ट यही रहता है। और अभी हम आ गए हैं कहाँ पर, कैलाशनाथ टेम्पल। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। और अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे, तब बंद हो गया था। और ये शाम को खुलता है, 3:30-4 बजे खुलता है, 3:30 to 4 के आसपास खुल जाता है। तो अभी हम लोग अपना रेस्ट करके पूरा आए हैं कैलाशनाथ टेम्पल। देखो नंदी महाराज, ये रे देखो ये, और देखिए क्या खूबसूरती है, गजब। जितना भी देखो उतना ही वो लगता है। ये है कैलाशनाथ टेम्पल, यहाँ पे अभी दर्शन करेंगे। क्या शानदार लग रहा है, अल्टीमेट। ये देखिए शानदार, ऐसी चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, अल्टीमेट। ये देखिए कितना शानदार, अल्टीमेट, कितनी शानदार मूर्तियाँ हैं पूरे मंदिर पे। और ये आज का नहीं है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पुराना टेंपल है ये। और ये जो पत्थर है ये सैंडस्टोन से बना हुआ है पूरा। और ये देखिए शानदार, कितना शानदार। ये देखिए यहाँ पे ये मूर्ति है, ये देखिए शानदार क्या लग रहा है। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। कांचीपुरम तो है ना एक तरह से कहते हैं मंदिरों की खान है, खान, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की खान है। तो उस खान में दर्शन करिए, महादेव के दर्शन करिए, भगवान विष्णु के दर्शन करिए, बहुत ही बहुत आपको लाभ होगा, कृपा रहेगी सबकी। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर कृपा बनी रहे, सबका भला हो, शांति बनी रहे। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।